यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से चौथे दिन 3 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ ही जिले में शराब पीकर मरने वाले लोगों का आंकड़ा 18 पर पहुंच गया है। आज सारण गांव में 70 साल के अजमेर व 45 साल के पम्मी की मौत हो गई, जबकि पजेंटो का माजरा गांव में 32 वर्षीय अरुण उर्फ विक्की की भी मौत हुई है। तीनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई आरंभ कर दी है। वहीं गांवों में मौत के सिलसिले को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा घरों की तलाशी ली जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं लोगों ने घरों में अवैध शराब खरीद कर छिपाई तो नहीं। इतनी मौत होने के बाद भी लोग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं, यही वजह है कि बुधवार से शुरू हुई लोगों की मौत अभी तक हो रही है। बुधवार को पहले दिन मंडेवरी गांव में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक गांव में लोगों की लगातार मौत हो रही है। अब मंडेवरी के बाद सबसे ज़्यादा सारण गांव में मौत हो रही है। सारण गांव में 2 दिन में 4 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। 2 अन्य मौत भी इस गाँव में हुई है, जिन्हें पुलिस संदिग्ध मान रही है। सारण गांव के लोगों ने बताया कि गांव में 5 से 6 लोग लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। उनके खिलाफ पहले भी लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन हर बार आरोपी जुर्माना भरकर छूट जाते थे। यदि समय रहते इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो आज इतनी मौत गांव में नहीं होती। अब जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने 4 लोगों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।